हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीना। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बना रहे हैं घी। घी जो हर खाने के स्वाद को बहुत बढ़ा देता है, जो एकदम टेस्टी होता है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और उसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत सारे होते हैं। आजकल बाजार में प्योर घी मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो आज हम घर पे ही ट्राई करते हैं। चलिए फिर बनाते हैं। अभी हम घी बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ व्हिपिंग क्रीम, जो कि ग्रोसरी स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। चलिए फिर स्टार्ट। सबसे पहले हम इसमें क्रीम डालेंगे और जितनी क्रीम डाल रहे हैं ऑलमोस्ट उतना ही पानी डालते हैं। और एग्जैक्ट एक मिनट के बाद में आप इसका ढक्कन खोलेंगे तो देखो ये एकदम घी अलग हो गया है और दूध अलग हो गया है। इसको मैं तेल में मैंने 4 लीटर व्हिपिंग क्रीम वो यूज की और अभी ये फाइनली मक्खन बनके रेडी हो गया है। इसको मैंने थोड़ा टेढ़ा करके रखा है बर्तन को, जिससे कि इसका पानी है वो सेपरेट हो जाएगा, तो आपको जब घी बनाएंगे इससे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इस मक्खन को हम हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे और इसको हिलाते रहेंगे। एक बार मक्खन के अच्छी तरह से पिघलने के बाद में आप फ्लेम को एकदम लो पे रख दीजिए, क्योंकि ये क्रीम है बाद में ज़्यादा गर्म होने के बाद ये एकदम दूध की तरह उबल के बाहर भी निकल सकती है। और अभी इस पर आपको बराबर आंख रखनी पड़ेगी, अदरवाइज ये उबल जाएगा। तो एकदम लो फ्लेम पे इसको अभी हम पकाते रहेंगे। आपको जब तक पकाना है तब तक कि आपको एकदम क्लियर घी अलग ना हो जाए। घी अब ये रेडी हो गया है तो हम इसको छन्नी में छान लेंगे और आप देखो कि किस तरह से कलर आया है एकदम गाय के घी जो रहता है। तो आपका रेडी हो गया होम मेड घी, जो एकदम पूरे घर में एकदम घी की ऐसी खुशबू आ रही है। ठंडा होने के बाद में ये हमारा घी देखो किस तरह से लग रहा है। ये घी है एकदम शुद्ध घी, जो कि हमने घर पे ही बनाया है। और देखो इसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा देखो आप इसको अच्छी तरह से। और इसमें खुशबू इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, हाँ पूरा घर महक गया है। घी बनाते बनाते पूरे घर में घी की खुशबू आ रही है। तो आप घर से कितना भी दूर हैं, लेकिन एकदम घर के स्वाद अपनी घर में दादी मम्मी के हाथ का बना हुआ जो घी है वो आप खुद बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और अलग अलग चीज़ों में इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। घी बहुत अच्छा है, ये गुड फैट होता है जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मुझे तो घी खाना बहुत पसंद है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना घी भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन पसंद है तो पसंद है। अभी आप अगर आपको भी घी बहुत पसंद है तो इस तरह से आप घर पे ही घी बनाइए, जिसमें एटलीस्ट आपको पता है कि ये एकदम प्योर है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है। तो ट्राई कीजिए और देखिए आपका घी कैसा बनता है। तब तक के लिए अलविदा बोलती हूँ और नेक्स्ट टाइम जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।